यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग रंगों के सैनिटाइजर। इस कोरोना महामारी की वजह से इन सैनिटाइजर का उपयोग हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया है और ये जरूरी भी है, क्योंकि इन सैनिटाइजर के अंदर जो रसायन होते हैं वो वायरस या अन्य कीटाणुओं के बाह्य कवच को घोल देते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस या कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और हमारी सुरक्षा कर पाते हैं। इन सैनिटाइजर के अंदर ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो इन वायरस या कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है? इन सैनिटाइजर के अंदर 60-70% तक एथेनॉल होता है। आप जानते हैं ये एथेनॉल जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, और या हम कह सकते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन का एक व्युत्पन्न है, और चूंकि यह हाइड्रोकार्बन है इसलिए यह ज्वलनशील भी होता है। इसे हम जलाकर देखें, ये देखिए यहाँ पर पेट्री डिश में मैंने ये थोड़ा सा सैनिटाइजर निकाल कर रखा है और यह इस तरह से यहाँ पर आपको जलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके उपयोग करते समय हमें सावधानी भी रखनी चाहिए ताकि यहाँ पर जलती हुई चीज़ों इसके संपर्क में ना आए, क्योंकि यह ज्वलनशील पदार्थ है। अतः इसका उपयोग करते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी जलती हुई चीज़ के पास इसे नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि यह वाष्पशील भी है, क्योंकि यदि हम इस सैनिटाइज़र की बोतल को खुला छोड़ दें तो कुछ समय के बाद इसमें का सैनिटाइज़र उड़ जाता है और हमारी बोतल खाली हो जाती है। इन सारे गुणों के साथ हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये एथेनॉल या हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में उपस्थित तत्व कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके यौगिकों की संख्या शेष अन्य तत्वों के सारे यौगिकों की संख्या से भी अधिक है, और इसका कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये कार्बन एक एक करके आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकते हैं या फिर ये शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं और ये चक्रीय श्रृंखला भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये एरोमेटिक रूप में भी उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ चूँकि ये कार्बन अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए द्विबंध तथा त्रिबंध भी बनाते हैं, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के साथ भी आसानी से बंध बना लेता है। यही सब कारण है कि इसके यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। जब कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला उपस्थित है और इसमें चारों ओर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन हुआ। इन भिन्न भिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन में से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को जब हम किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूह या फिर जिसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एक नए प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं जिनके गुण इन हाइड्रोकार्बन के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, और चूंकि इनके गुण भिन्न होते हैं इसलिए इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसी तरह से जब हम इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमें एक नए प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है जिसे अल्कोहल कहा जाता है। दूसरी ओर यदि हम इन एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग होती है उसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देते हैं तो हमें एक दूसरे प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं जिन्हें फिनॉल कहा जाता है। ये अल्कोहल तथा फिनॉल हमारे दैनिक जीवन में भी और साथ ही साथ औद्योगिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक अन्य प्रकार के तत्वों का समूह भी प्राप्त होता है यदि हम
इन हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर एल्कोक्सी समूह या एरिलोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें। यदि हम इन्हें एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें साधारण या एलिफैटिक ईथर प्राप्त होते हैं, और यदि हम इन्हें एरिलोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एरोमेटिक ईथर प्राप्त होते हैं। ये एरोमेटिक या कार्बनिक यौगिकों का एक अलग प्रकार है। इस अध्याय में हम एल्कोहल समूहों, फिनॉल समूहों तथा ईथर, इन भिन्न भिन्न तीनों प्रकार के यौगिकों के विषय में जानेंगे। पहले हम एल्कोहल और फिनॉल के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम ईथर के विषय में अध्ययन करेंगे। यदि हम एल्कोहल और फिनॉल की बात करते हैं तो जैसे मैंने कि पहले कहा कि इनका हमारे दैनिक जीवन में और साथ ही साथ औद्योगिक रूप से बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि आप अपने अभी देखा कि यहाँ पर सैनिटाइज़र में भी इन एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से हम देखें कि हमारे घरों में जो डिसइंफेक्टेंट या घरों की सफाई के लिए जो उपयोग होते हैं उनमें भी इसी प्रकार के हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक होते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि आपके घरों में जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनकी पॉलिश के लिए जो लिक्विड उपयोग में लाया जाता है वह भी इन्हीं हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिकों से ही निर्मित होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि आप जो प्रयोगशाला में स्प्रिट लैंप उपयोग करते हैं तो स्प्रिट लैंप में जो स्प्रिट उपयोग में लाई जाती है वह भी हाइड्रोक्सिल समूह युक्त एक यौगिक ही है, और जिसमें लगभग 95% तक एथेनॉल उपयोग में लाया जाता है। इसी तरह से आप देखें कि आपके कपड़े, जो कॉटन कपड़े होते हैं और जिनका जिन्हें बनाने के लिए हम कपास का उपयोग करते हैं, तो ये कपास भी एक प्रकार के हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक ही हैं। उसके अलावा ये आपकी पुस्तक, आपने देखा होगा जो हमारी पुस्तक होती है वह भी, उसका जो कागज है वह भी हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक ही होते हैं। आप स्वयं सोचिए, आप दिन भर में कागज से निर्मित कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आपकी पुस्तकें, मैगजीन, न्यूज़पेपर या फिर नोट, चेकबुक या फिर आपको मिलने वाले प्रमाण पत्र, ये सभी कागज से ही निर्मित हैं और ये सभी किसी न किसी रूप में हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कंपाउंड ही है। इसी तरह से खाद्य शर्करा, जो शक्कर हम इस्तेमाल करते हैं, वह भी एक प्रकार का हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक ही है। तो आप देख सकते हैं कि सामान्य दैनिक जीवन में भी और औद्योगिक महत्व के रूप में भी ये हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कंपाउंड हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहले हम जानते हैं एल्कोहल और फिनॉल के विषय में और उसके बाद हम ईथर के यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की। एल्कोहलों में एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह सीधे एलिफैटिक जो तंत्र होता है, एलिफैटिक सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कार्बन की एक सीधी श्रृंखला वाला यौगिक है और जिसके किनारे पर एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इन्हें हम एल्कोहल कहते हैं। और सामान्य रूप से इन्हें सामूहिक रूप से ROH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दूसरी ओर यदि हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह एरोमेटिक रिंग से सीधे जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है और जिसमें कि एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया है, इन्हें हम फिनॉल कहते हैं और इसे सामान्य रूप से हम AROH के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि ये एल्कोहल तथा फिनॉल भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इनका हम वर्गीकरण यदि देखें तो सबसे पहले हम एल्कोहल का वर्गीकरण करते हैं। जब भी हम यौगिकों का वर्गीकरण कर लेते हैं तो वर्गीकरण कर लेने से इनका जो अध्ययन होता है वो काफ़ी क्रमबद्ध, सिस्टमेटिक हो जाता है और काफ़ी सरल भी हो जाता है। तो एल्कोहल को सबसे पहले हम उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर
भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि किसी भी अल्कोहल या जो एलिफैटिक संरचना है उसमें यदि एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है तो एक के लिए मोनो जो प्रीफिक्स है उपयोग में लाया जाता है, और इस तरह से एक हाइड्रोक्सिल समूह वाले यौगिकों को हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं CH3OH या फिर CH3CH2OH या इसी तरह से और भी एलिफैटिक यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक हो सकते हैं। इसी तरह से जब यहाँ पर एक से अधिक यानी कि दो हाइड्रोक्सिल समूह एक ही यौगिक में उपस्थित होते हैं तो ऐसे अल्कोहल्स के लिए हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं CH2OH। यहाँ पर हम देखें कि दो कार्बन वाला ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसके एक एक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और इस तरह से यह एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। इसी तरह से जब तीन हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप सूत्र लिख सकते हैं CH2OH, CHOH, CH2OH। तो यहाँ पर हम देखें कि जो तीन कार्बन वाला एक मूल हाइड्रोकार्बन है उसके तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को तीन हाइड्रोक्सिल समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और इस तरह से हमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तीन से अधिक यदि हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इसका उदाहरण हम ग्लूकोज ले सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया जो शर्करा या जो ग्लूकोज होते हैं वो भी एक प्रकार के हाइड्रोक्सिल समूह युक्त यौगिक हैं, और हम देखेंगे कि इसकी ग्लूकोज की संरचना में 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं, इसलिए यह पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है। इस तरह से हम फिनॉल का वर्गीकरण देखते हैं। फिनोलों में भी ये जब जितने हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं उसके आधार पर यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर ही हम इन्हें वर्गीकृत करते हैं। जैसे जब एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बेंजीन रिंग है जिसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, और इस तरह से हमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल प्राप्त होते हैं। इसी तरह से जब दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें डाईहाइड्रिक फिनॉल मिलेंगे। इसी तरह से जब हम तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें ट्राईहाइड्रिक फिनॉल्स प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर हम अल्कोहल तथा फिनॉल्स को वर्गीकृत करते हैं। अब हम देखें कि जो अल्कोहल हैं उनमें जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उन्हें हम पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं, और पुनः इनके वर्गीकृत करने का जो आधार होता है वह होता है इनमें जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसकी संकरण की अवस्था क्या है। यदि वह sp3 संकरित अवस्था में है तो यह अलग प्रकार का अल्कोहल होता है, और यदि उसमें कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है अर्थात इस पे द्विबंध उपस्थित है तो यह अलग प्रकार का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो इस तरह से हम देखें जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हैं उन्हें हम पुनः वर्गीकृत करेंगे। तो पहले हम देखेंगे वे यौगिक जिनमें कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह जो बंध है उसमें यानी कि OH समूह जो sp3 संकरित हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पर हम देखें अब यह भी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर देखें जब sp3 संकरित कार्बन तो यहाँ पर उपस्थित है लेकिन साथ ही साथ यह प्राथमिक कार्बन हो
यानी कि इसमें से जो यह केवल एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहेंगे प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं कि यहाँ पर इसका उदाहरण है, जैसे हमने ले लिया है CH3CH2 और यहाँ पर है CH2OH। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह के जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत कार्बन है, और sp3 संकृत कार्बन हम इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि इसकी सभी संयोजकताएं सिंगल बंड के द्वारा पूरी हो रही हैं। साथ ही साथ यह प्राथमिक है क्योंकि यह केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें हम लेंगे CH3CH और यहाँ पर देखिए इसके साथ OH है और जो बीच में जो CH आपको दिखाई दे रहा है, कार्बन दिखाई दे रहा है, उससे एक CH3 समूह और जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है वह sp3 संकृत तो है ही, साथ ही साथ चूँकि यह दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है इसलिए यह द्वितीयक प्रकार का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। इसी तरह से हम देखें, यदि हम उदाहरण ले देते हैं कार्बन जिससे जुड़े हुए जिनकी तीनों संयोजकताएं CH3 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 के द्वारा पूरी हो रही हैं, साथ ही साथ इस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखें कि कार्बन यहाँ पर भी sp3 संकृत अवस्था में है लेकिन साथ ही साथ यह तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है इसलिए यह तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का प्रकार है। इस प्रकार से हम देखें, एक अन्य प्रकार से भी इन्हें वर्गीकृत हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जब जो अल्कोहल होते हैं वह उसमें जो कार्बन है वह तो sp3 संकृत अवस्था में है लेकिन वह जिस अगले एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है, और चूंकि इस प्रकार के कार्बन को जो एक द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे हम एलिलिक कार्बन कहते हैं, इसलिए इस प्रकार के अल्कोहल्स को हम एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। वहाँ पर एलिलिक अल्कोहल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वह कार्बन आगे जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है वह द्विबंध वाले कार्बन होता है, उसमें द्विबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो संरचना हमें मिलती है उसे हम यहां पर एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो एलिलिक अल्कोहल है वह भी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। यहां पर आप इसकी संरचना देख सकते हैं, जैसे यहां पर है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर हम देखें इससे जुड़ा हुआ है आपका OH समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह। तो यहाँ पर हम देखें जो कार्बन है यह भी sp3 संकृत अवस्था में है लेकिन जो आगे यह डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह द्विबंध से जुड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका प्राथमिक प्रकार का एलिलिक अल्कोहल। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C उपस्थित है, उसके बाद जो कार्बन हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है वह एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है यानी कि यहाँ पर एक मिथाइल समूह उपस्थित है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वह द्वितीयक कार्बन है। साथ ही साथ चूंकि यह एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे हम द्वितीयक एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। इसी तरह से हम तीसरा उदाहरण ले सकते हैं जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो कार्बन है वह दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ हो और साथ ही साथ उससे आगे हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ हो, तो यहाँ पर देखें जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है वह तृतीयक कार्बन है क्योंकि यह तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ यह जो एक कार्बन परमाणु है वह द्विबंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रकार की जो यौगिक हमें मिलेगा उसे हम तृतीयक एलिलिक अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह से हम देखें कि जो एलिलिक अल्कोहल है वह भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि
तीसरे प्रकार का एक और वर्गीकरण हम देख सकते हैं, जिसमें कि sp3 संकृत कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखें कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह sp3 संकृत तो है ही, साथ ही साथ उससे जो एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई होती है, यानी कि उसकी एक संयोजकता बेंजीन रिंग के द्वारा पूरी होती है। तो इस प्रकार की संरचना जब हमें मिलती है तो उसे हम बेंजिलिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, एक बेंजीन रिंग आपको दिख रही है, इसके बाद हमें दिख रहा है CH2OH। तो यहाँ पर आप देखिए जो कार्बन है वो sp3 संकृत है, साथ ही साथ यह प्राथमिक कार्बन है, क्योंकि इसमें यह केवल एक अन्य कार्बन जो कि बेंजीन रिंग का कार्बन है उससे जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इसे हम प्राथमिक बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। इसी तरह से यदि यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन है उसमें एक अन्य बेंजीन रिंग के अलावा एक हाइड्रोजन किसी एक अन्य मिथाइल या इथाइल समूह से प्रतिस्थापित हो, तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा वह द्वितीयक कार्बन हो जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर बेंजीलिक संरचना उपस्थित है तो इसे हम द्वितीयक बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। इसी तरह से जब हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हो, साथ ही साथ उसके दो जो अन्य हाइड्रोजन है वह भी दो अन्य मिथाइल इथाइल समूह से प्रतिस्थापित हो, तो इस समय भी यह जो कार्बन होगा वह sp3 संकृत कार्बन होगा, लेकिन चूंकि इसमें एक जो कार्बन है वह के रूप में बेंजीलिक समूह उपस्थित है, तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम तृतीयक बेंजीलिक अल्कोहल कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये अल्कोहल सभी जिसमें कि हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वह sp3 संकृत अवस्था में होता है, लेकिन इनमें जो कार्बन की प्रकार यानी कि प्राथमिक द्वितीयक या तृतीयक प्रकार का है इसके आधार पर हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन यदि एलिलिक समूह से जुड़ा हुआ हो तो इसे हम एलिलिक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी तरह से जब हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ कार्बन एक बेंजीलिक समूह से जुड़ा हुआ हो तो उन्हें भी हम प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक बेंजीलिक समूह के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें कि हाइड्रोक्सिल समूह ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो कि sp2 संकृत अवस्था में होता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, एक है जिसमें कि इसका उदाहरण होगा वाइनिलिक अल्कोहल। अब हम जानते हैं कि जब द्विबंध से जुड़े हुए जो दो कार्बन होते हैं उन्हें हम विनाइलिक कार्बन कहते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो दोनों कार्बन होंगे ये विनाइलिक कार्बन होंगे। अब यदि इनमें से एक हाइड्रोजन को हम हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो इस प्रकार से जो हमें अल्कोहल मिलेंगे उन्हें हम विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। और हम जानते हैं कि जहां पर द्विबंध उपस्थित होता है वहां पर कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। इसी तरह से एक और संरचना हम देख सकते हैं, जबकि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वह एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, और हम ये भी जानते हैं कि जो एरोमेटिक रिंग होती है उसका प्रत्येक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। तो यहाँ पर भी हम देखें कि यदि बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दें एक हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल समूह होगा ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ मिलेगा जो कि sp2 संकृत अवस्था में होगा। तो इस प्रकार के जो संरचना हमें प्राप्त होती है उन्हें हम फिनॉल कहते हैं। तो इस तरह से हम जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उन्हें दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं।